पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत पहली बार फवाद चौधरी पर चढ़ दोहरे। नाजरीन, तहरीके इंसाफ के मौजूदा और साबिक रहनुमाओं में लफ्जी जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। फवाद चौधरी ने पीटीआई की मौजूदा क़यादत को नकम्मी और नाअहल करार दिया, जिसके बाद कई रहनुमा तहरीके इंसाफ के वर्कर्स फवाद चौधरी के खिलाफ हो गए। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने शेर अफजल मरवत के बारे में कहा था कि वो बुलबुला था और बुलबुले की तरह बैठ गया, जिस पर अब शेर अफजल मरवत का सख्त रद्द अमल सामने आ गया। फवाद चौधरी इस रोज पुलिस को देख कर ऐसे भाग रहे थे जैसे हथनी भाग रही हो। फवाद चौधरी के इस भागने के अमल ने पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुका दिया था। फवाद चौधरी किसी को मशवरा न दें, पीटीआई की क्यादत कितनी ही फेल हो, लेकिन कम से कम कड़े वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़ी रही। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों फवाद चौधरी ने इंटरव्यू में कहा था कि पीटीआई ही की वजह से हैं, हमारी पहचान ही पीटीआई है, पीटीआई में थे, हैं और रहेंगे। फवाद चौधरी ने 24 मई 2023 को पीटीआई से अलीहदगी का ऐलान किया था और 9 मई वाक़े की मजम्मत की थी।